कैप्टन एल राहुल। लखनऊ के कैप्टन ओपनर एल राहुल टाटा आईपीएल 2022 में बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और ऑलरेडी 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। राहुल ऑरेंज कैप रेस में सेकंड है और अपने रन एक बहुत ही हेल्दी स्ट्राइक रेट से बना रहे हैं। टाटा आईपीएल 2018 के स्टार्ट से लेके अभी तक वे हाईएस्ट रन गेटर हैं और अपने रन वे एक हाई स्ट्राइक रेट एंड एवरेज से बनाते हैं। एक ओपनर का फैंटेसी क्रिकेट में एक बड़ा रोल होता है क्योंकि उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है पॉइंट्स बनाने के लिए। ओवरऑल राहुल इस मैच के लिए एक अच्छा कैप्टन पिक है। वाइस कैप्टन डी वॉर्नर। दिल्ली के ओपनर और टाटा आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल ओवरसीज बैटर डी वॉर्नर अच्छे फॉर्म में है और टाटा आईपीएल 2022 में ऑलरेडी 3 50+ स्कोर्स बना चुके हैं और 6 में से 4 मैचेस में वे ड्रीम टीम में थे। कोलकाता के खिलाफ पिछले मैच में भी उन्होंने एक आक्रामक इनिंग्स खेलकर एक ट्रिकी चेस को इजी बना दिया। वॉर्नर ऑलराउंड द विकेट खेलते हैं और कट एंड पुल उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। मोर ओवर एक लेफ्ट हैंड बैटर के लिए मैचअप्स अगेंस्ट लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन एंड राइट आर्म पेस अच्छा होता है और लखनऊ का बॉलिंग अटैक का मेकअप ऐसे बॉलिंग टाइप से भरा है। वॉर्नर इस मैच के लिए एक अच्छा वाइस कैप्टन पिक है। डार्क हॉर्स एम मार्श। दिल्ली के ऑलराउंडर एम मार्श ने भले ही टाटा आईपीएल 2022 में अभी तक कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिया पर पिछले एक साल में टी20 के सबसे सक्सेसफुल प्लेयर्स में से एक हैं। मार्श दिल्ली के लिए एक अच्छे नंबर पर बैटिंग करते हैं और पिछले मैच में भी खुल के बैटिंग कर रहे थे। एक क्रेडिट वाइज ऑप्टिमल टॉप ऑर्डर बैटर फैंटेसी में गोल्ड डस्ट है क्योंकि उनको पॉइंट्स बनाने का अच्छा मौका मिलता है। मार्श अभी मेजॉरिटी फैंटेसी प्लेयर्स का अटेंशन नहीं पुल कर रहे हैं और ऐसे सिनारियों में वे गन लेफ्ट फील्ड पिक हैं।